नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना दिलचस्प देखने को मिलेगा जब मलिष्का बोलती हुई नजर आने वाली है ऋषि से कि जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ है उसे तुम भूल जाना कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं तो चलो अपने आप को माफ कर लूंगी लेकिन तुम देख लेना जस तुम्हारा होता हो। और कोर्ट के अंदर उस समय वहाँ पे लक्ष्मी मौजूद होती है और लक्ष्मी के आगे मलिष्का बोलती है कि ऋषि हमने जो एक दूसरे के साथ में एक रात गुजारी थी उस चीज़ का भी थोड़ा सा घना ध्यान रख लेना। हालांकि डिसीजन में मैं तुम्हारे दोनों के साथ हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लेना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर तुम अलग हो जाते हो तो इसमें भी बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम दोनों खुद मिच्योर हो, समझदार हो और तुम डिसीजन जो लोगे वो वाकई में मुझे लग रहा है तुम अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छा खासा डिसीजन लेने में तुम कामयाब भी रहोगे। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीका से ऋषि हार नहीं मानने वाला, क्योंकि ऋषि की बात की जाए तो ऋषि को हराने की जो साजिश हो रही है इधर मलिष्का के थ्रू वो हार मानने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लक्ष्मी को छोड़ेगा नहीं। उसने बोल दिया है कि लक्ष्मी मेरी वाइफ है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी को अभी डिवोर्स नहीं देने वाला। आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि और लक्ष्मी के एक दूसरे के साथ में कैसे बॉन्डिंग रही है, लेकिन अभी तक ऋषि को लग रहा है कि ये जो रात गुजरी थी मलिष्का के साथ में उसमें ज़रूर मलिष्का ने कुछ किया था मेरे साथ में, क्योंकि कभी भी मैं मलिष्का के साथ में अपनी हदें और अपनी सीमाएं पार नहीं कर सकता। मेरे साथ में कोई ना कोई धोखा हुआ है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मुझे वाकई में पहले ही पता लग जाता। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइज कि अगर आप भाग्य लक्ष्मी के असली फ़ैन हैं तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में अपना कॉमेंट में नाम ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो आखिर कैसे लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज़।